तारा के खुडूर साहिब विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव रशियाना में एक पिता ही अपने बेटे का कातिल निकला। बता दें कि बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। दरअसल पिता ने अपने बेटे को क्यों मारा, इस बात की जांच में पुलिस जुट गई है। पंजाब के तरन तारा से 3 साल के बच्चे को किडनैप किया गया था। अपहरण तब हुआ जब बच्चा अपने पिता के साथ जा रहा था। वारदात तरन तारा के एक गांव में रविवार रात तकरीबन 7:30 बजे हुई थी। पुलिस ने पिता के बयानों के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी। अगवा हुए बच्चे की पहचान 3 साल के गुरु सेवक सिंह के रूप में हुई। तरन तारा पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गुरु सेवक अपने पिता अंग्रेज सिंह के साथ गाँव रोटिया की तरफ जा रहा था। शाम तकरीबन 7:30 बजे का समय था। अचानक एक स्विफ्ट कार अंग्रेज सिंह के पास आकर रुकी। कार से 2 युवक उतरे थे। पुलिस इस पिता से 2 दिन तक उलझी रही। पिता द्वारा कहानियां बनाई गई कि बच्चे का अपहरण कर लिया गया है, लेकिन जब पुलिस ने इसकी गहनता से जांच की तो कहानी कुछ और ही निकली। इस पिता ने ही अपने बच्चे की हत्या कर दी है और बाद में शव को कुएं में फेंक दिया है। पुलिस और जिला प्रशासन ने कुएं से शव बरामद कर लिया है। पिता ने उसकी पहचान की, 1 साल के मासूम बच्चे का शव मरा बताया और कहा कि मैंने ही उसे मार डाला, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई और पिता को कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी पिता की पहचान अंग्रेज सिंह के रूप में हुई। गोविंदवाल साहिब पुलिस स्टेशन के मुख्य इंस्पेक्टर सुपीर सिंह ने कहा कि 3 वर्षीय बच्चे के पिता अंग्रेज सिंह ने ही उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी और बाद में शव के टुकड़े करके पानी के साथ कुएं में बहा दिए। हत्यारे पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और उसने अपने 3 साल के मासूम बच्चे की हत्या क्यों की, इसकी जांच शुरू कर दी है।